हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा अभी भूल भुलैया 3 का सॉन्ग आया था 2-3 दिन पहले। वो सॉन्ग को मैंने रिव्यू किया था, बताया था कि मुझे सॉन्ग कुछ खास अच्छी नहीं लगी। वो सॉन्ग को रिपीट किया 3रा बार भी। तो ये अगर ऐसा हरकत करेंगे तो मूवी तो नहीं चलेगा। मूवी को चलाने के लिए कुछ अच्छा कंटेंट चाहिए, जो कि होना चाहिए। सॉन्ग में भी, सॉन्ग को भी रिलीज करने के बाद बहुत इफेक्ट पड़ता है मूवी पे। तो ऐसा कुछ आया था सॉन्ग भूल भुलैया का। लेकिन आज 5 घंटे पहले अभी सिंगम अगेन का सॉन्ग आया, जय 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 बजरंग बली। इस सॉन्ग का टाइटल है और इस सॉन्ग में बाकायदा चल रही है बजरंग बली, राम सीता का चल रहा है पूरा। जो हनुमान बने हुए हैं वो रणवीर सिंह है, और जो राम बने हुए हैं वो अपने अजय देवगन है, आपने जैसा कि ट्रेलर में देखा था। और जो सीता माँ बनी है वो करीना कपूर खान है। तो ये सब का इस मूवी, इस सॉन्ग में इस कैमियो है। ये दिखाया जा रहा है इनका पूरा गेटअप जो है, राम सीता लक्ष्मण वाला, ये सब चीज़ दिखाया जा रहा है। तो ये सॉन्ग, मतलब मुझे लगा था कुछ अलग सॉन्ग होगा, लेकिन अलग सॉन्ग नहीं है। ये राम सीता लक्ष्मण दिखाया जा रहा है। मुझे लगा कि कुछ दिखाया जाएगा विलन को पकड़ते कैसे, या फिर कुछ रोमांटिक सॉन्ग होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। ये राम सीता पूरा तरह से धार्मिक सॉन्ग था। लेकिन अगर मूवी को आप धार्मिक बनाना चाहते थे, फिर तो विलन का क्यों मतलब एक कहानी डाले, आप धार्मिक ही बनाते। ये मतलब पता नहीं चल रहा है कि क्या मूवी क्या है। मूवी में विलन का चीज दिखाया जा रहा है या फिर राम सीता का दिखाया जा रहा है। मतलब पब्लिक को पूरा तरह से कंफ्यूज करके रख दिया गया है। इस सॉन्ग में भी पब्लिक को कन्फ्यूज किया गया है। कभी पुलिस का चल रहा है सीन, कभी राम सीता का सीन चल रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि इसमें मूवी में क्या कलेक्शन होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये जो सॉन्ग है वो सॉन्ग अच्छा तो लगता है कुछ कुछ जगह पे, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है जिस हिसाब से ये मूवी का टाइटल है। उस हिसाब से मूवी में कुछ हटके चीज देना चाहिए वो सारी चीज़ नहीं है मूवी में, सॉन्ग में। सॉन्ग को अच्छा किया जा सकता था, लेकिन सॉन्ग अच्छा नहीं है उतना। ओके है, आप कह सकते हैं कि भूल भुलैया से तो अच्छी ही सॉन्ग है। इतना मैं कह सकता हूँ कि भूल भुलैया से अच्छी ही सॉन्ग है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितना मतलब हम कह सकते हैं वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग या एक्सीलेंट तक नहीं कह सकते हैं। सॉन्ग अच्छी है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। सॉन्ग में आपको बाकायदा सारे चीज़ दिखाए जाएंगे राम सीता लक्ष्मण का, और सॉन्ग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। सॉन्ग का भी व्यू चला गया है 5-6 मिलियन, अभी लगभग 5-6 घंटा या 7 घंटा हो रहा है, 5-6 मिलियन व्यू भी चला गया। तो अच्छा खासा सॉन्ग है, सॉन्ग में व्यू अच्छा गया है। भूल भुलैया में अभी 40 मिलियन व्यू होने वाला है। तो दोनों का टक्कर चल रहा है और दोनों का पोस्टर वार भी अब चलने लगा है। बड़े बड़े सिनेमाघर में होर्डिंग्स लग रहा है, पोस्टर लग रहा है। सॉन्ग को आने में अभी भी, सॉरी मूवी को आने में 10-15 दिन टाइम है, फिर भी अभी से ही वार चल रहा है। और ये वार जब तक नहीं खत्म होगा, जब तक बॉक्स ऑफिस पे ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि कौन मूवी असली में बॉलीवुड की किंग निकली, ये लास्ट तक चलेगा, जब तक मूवी का सिनेमा घर से उतर नहीं जाती तब तक। तो दोस्तों, ये था वीडियो का, आज का सॉन्ग रिव्यू का मेरा अपडेट। आपका क्या ख्याल है, यह सॉन्ग कैसी है सिंगम अगेन की जो फर्स्ट सॉन्ग आई है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप अगर सॉन्ग सुने तो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे। जय श्री राम।